नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है टॉप 20 खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरू करते हैं टॉप 20 खबरों का सिलसिला। क्रेडिट सोसाइटी स्कैम में आईपीएस अफसर भाग्यश्री नवताके के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया केस। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया की हालत खस्ता, खाता भी नहीं खोल सके चार बल्लेबाज। हरियाणा के सीएम और कैबिनेट के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से एससी का इनकार। एस अरुण कुमार नंबूथिरी बने सबरीमाला मंदिर के नए मुख्य पुजारी। सीट बंटवारे पर 11 बजे होने वाली एमवीए मीटिंग में नहीं बुलाए गए महाराष्ट्र एसपी चीफ अबू आसिम आजमी। बीजेपी विधायक बासन गौड़ा पाटिल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, मेरी यात्रा हिंदू स्वाभिमान की यात्रा है, संत मेरे साथ हैं, कोई राजनीतिक दल नहीं। दिल्ली और मथुरा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में लॉरेंस बिश्नोई हासिम बाबा गैंग का शूटर हुआ गिरफ्तार। पॉप बैंड वन डायरेक्शन के पूर्व सिंगर लियाम पायनी की तीसरी मंजिल से गिरकर हुई मौत। जस्टिस संजीव खन्ना होंगे सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस, 10 नवंबर को संभालेंगे पदभार। हरियाणा में नायब सिंह सैनी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। इंडिया वर्सेस एनजेड टेस्ट मैच में बेंगलुरु टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने किया सरेंडर, 9 विकेट हुए धराशायी। यूपी का मुजफ्फरनगर बना देश का सबसे प्रदूषित शहर। हरियाणा में नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण में पीएम मोदी मंच पर पहुंचे। असम में अप्रवासियों को नागरिकता देने वाला कानून वैध है, सीजेआई बोले राजनीतिक समाधान था जो कानून बना। वहीं जस्टिस सूर्यकांत बोले जियो और जीने दो। फ्रैंकफर्ट मुंबई विस्तारा फ्लाइट में मिली बम की धमकी। इंडिया वर्सेस एनजेड टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया पास 46 रन पर ऑल आउट। एमपी की निकिता पोरवाल बनी मिस इंडिया 2024, मिस वर्ल्ड में करेंगी इंडिया को रिप्रेजेंट। एसजीपीसी ने रद्द किया ज्ञानी हरप्रीत सिंह का इस्तीफा। अमृतसर में हरजिंदर सिंह धामी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, अभी सेवाओं की बहुत जरूरत। वाराणसी में लॉरेंस गैंग के हैकर आशीष बिश्नोई को मिली जमानत। टॉप 20 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ आप जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।